नमस्कार दोस्तों। कुछ समय पहले मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो जो मेरा लैपटॉप है उसमें एकदम से पॉपअप आया कि योर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड। सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसमें कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं कि हर महीने मुझे पासवर्ड चेंज करना होता है, और कई लोगों में, आप लोगों के ऑफिस में, कॉर्पोरेट कल्चर में भी होता है, इधर इन 30 या 45 डेज यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड, मंथ अ मंथ और वंस इन 3 मंथ्स और ट्वाइस इन 3 मंथ्स। तो अब इस समय पे मुझे समहाउ एकदम से अपने कॉलेज के एक सीनियर, किरुणिमल कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ के मेरे एक हॉस्टल सीनियर की एक बात याद आ गई कि यू कैन एक्चुअली यूज़ योर पासवर्ड्स टू चेंज योर लाइफ। अब उस समय तो बातें मजाक सी लगी थी ना, उस समय पे लैपटॉप था हमारे पास, बट स्टिल आई थॉट वाई नॉट गिव इट अ ट्राई दिस टाइम। अब हुआ ये था कि मेरी अपने एक दोस्त से बड़ी भयंकर झड़प हो गई थी और एक दिल में गठान सी बन गई थी, देयर वाज अ नॉट इन माय हार्ट, और वो बड़ा परेशान कर रही थी मुझे। आई जस्ट थॉट टू गिव दिस अ ट्राई यूजिंग दिस पासवर्ड स्ट्रेटजी। तो मैंने अपने लैपटॉप का पासवर्ड रखा फॉरगिव एट द रेट हिम, एफ कैपिटल एच कैपिटल। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है पासवर्ड सेट करने की वो फुलफिल हुई, एक स्पेशल साइन भी आ गया फॉरगिव एट द रेट हिम। मुझे दिन में 4-5 बार अपने लैपटॉप में ये पासवर्ड टाइप करना पड़ता था। एडिशनली मैंने अपने लैपटॉप का स्क्रीन सेवर भी यही रख दिया कि बाय द वे अगर कभी ब्लैंक स्क्रीन होती थी तो उस पर ऑटोमेटिकली वही वो देखते हैं, वो फॉरगिव एट द रेट हिम ही चलता रहता था, डांस करता रहता था पूरी की पूरी स्क्रीन पे। धीमे धीमे समय बीता, एक महीने बाद फिर नंबर आया पासवर्ड चेंज करने का। तो मैंने सिचुएशन को थोड़ा रीअसेस किया कि इस एक महीने में, इन 30 दिनों में, मैंने कम से कम नहीं तो 100 से 150 बार ये लिखा था फॉरगिव एट द रेट हिम। और अब मैं रियलाइज़ कर रहा था ऑन द 30th और द 31st डे कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था, मतलब वो जो दिल में गठान सी थी वो गठान खुल चुकी थी और उस फ्रेंड के प्रति मेरे मन में कोई भी अब नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव इमोशन नहीं था। तो मुझे इम्पैक्ट महसूस हुआ कि यार कुछ काम किया है इस चीज़ ने, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस ट्रेंड। मैं डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था इन टर्म्स ऑफ वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, तो नेक्स्ट पासवर्ड मैंने सेट किया वेक अप एट द रेट 5 AM। अब बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं, लेकिन इतना वेक अप एट द रेट 5 AM। तो वही महीने भर तक फिर ये रूटीन चला, एंड इन द कोर्स ऑफ मे बी आफ्टर 10-12 डेज वो एक सबकॉन्शियसली शायद एक थॉट सीप इन करता जा रहा था कि यार 5 बजे उठना है, मैं दिमाग को ही बोल रहा था, और कॉन्शियसली पहले टाइप करते हैं उसके बाद तो एक आदत सी पड़ जाती है। तो समहाउ मेरी नींद अपने आप ही कभी 5:30 खुलने लगे, कभी 5:15 खुलने लगे। मैं अलार्म सेट करता था तो फिर उस साथ में सपोर्टिवली, मतलब पहले तो अलार्म बंद करके सो जाते थे, स्नूज होके बंद होता रहता था, लेकिन बाद में बॉडी ही अलाइन होने लगी अपने आप ही कि भाई 5 बजे उसे उठना है, अलार्म की ज़रूरत पड़ रही है जब तक, तो तब तक 1 घंटी में उठ जा रहे हैं, और उसके बाद अलार्म की ज़रूरत ही पड़ना बंद हो गई। फिर महीना आया, फिर पासवर्ड चेंज करना था, तो अब इस बार मैंने पासवर्ड सेट किया सेव फॉर अ फॉरेन ट्रिप। तो अब ये चीज़ जब मैंने पासवर्ड सेट की तो तब मेरा दिमाग जो है वो इस तरीके से प्रोग्राम हुआ कि आई हैड टू एक्चुअली स्टार्ट सेविंग फॉर दिस फॉरेन ट्रिप। मन तो खूब करता रहता था कि फैमिली के साथ घूमने जाएं कहीं, लेकिन उसके लिए एफर्ट नहीं ले रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। ये जो स्टोरी है, ये जो आप सुन रहे हैं, ये कई सारे इस तरीके के एनेक्डोट्स हमें छोटे छोटे हिंट्स के रूप में मिलते रहते हैं, एंड वी थिंक यार हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन कितनी बार हमें करते हैं। तो ये जो पासवर्ड्स वाली स्ट्रैटेजी है ना, इसका अंडरलाइंग थीम क्या है? इसकी अंडरलाइंग थीम है सेल्फ डायलॉग। आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो, आप अपने अंदर थॉट्स क्या फीड कर रहे हो, बिकॉज जो थॉट्स आप अपने अंदर फीड कर रहे हो, अगर आपने वो बुक पढ़ी हो द सीक्रेट, वो बुक भी इसी चीज पे फोकस करती है, और व्हाट दैट बुक मेक्स यू रियलाइज कि थॉट्स कितने पावरफुल होते हैं। थॉट्स अफेक्ट योर इमोशंस, दे अफेक्ट योर फीलिंग्स, तो हमें कॉन्शियसली चूज करना चाहिए द काइंड ऑफ थॉट्स वी आर थिंकिंग। और हम सिर्फ सोच के ना रुक जाएं, हम एक्शन क्या ले रहे हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए। अब जैसे हम में से कई लोग जो हैं हमेशा 1 जनवरी पे 31 दिसंबर पे बड़े एक्साइटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, लेकिन कितने लोग उस न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, जैसे पहले भी आता था एक थॉट, तो मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये लिया कि भाई आई एक्चुअली वॉन्ट टू कम आउट विद 52 यूट्यूब वीडियोज दिस ईयर। इसीलिए मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं वो अभी कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे और कह भी रहे थे द फ्रीक्वेंसी
ऑफ द वीडियोज हैज इंक्रीज्ड, तो उसके लिए क्या किया है तुमने? तो मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, लेकिन इसको एक कदम आगे जाके मैंने क्या किया, इफ यू कैन सी दिस, ये मैंने अपने सामने फ्रेम करा के लगा रखा है, वेर इन ये मेरा पर्सनल न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, रिलीज 52 यूट्यूब वीडियोज दिस ईयर, 1 वीडियो पर संडे। छोटी सी चीज है, एक 300 रुपए का फ्रेम है, लेकिन दिस हैज काइंड ऑफ क्रिएटेड अ मेजर इम्पैक्ट, और अब इसका जो स्नोबॉल इफेक्ट है, आई होप टू कंटिन्यू दिस जर्नी लाइफ लॉन्ग। थैंक यू।